नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। और ये जो क्लास आप देखने जा रहे हैं, मेरी ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, जिसमें पर्सन हमारे साथ जूम ऐप के थ्रू ज्वाइन करते हैं। और ऐसी वीडियोज हम डेली बेसिस पे, हाँ, 15 से 20 वीडियो डेली बेसिस से मेरे यूट्यूब चैनल पे डालते हैं। और यूट्यूब चैनल पे अभी तक मेरे पास 5000 से ऊपर वीडियोज अपलोडेड है। आप वहां पे जाइए और देखिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा मोबाइल ऐप का लिंक मिलेगा, आप मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्या होता है मोबाइल ऐप? ये मोबाइल ऐप होता है, इसमें हमने सारे वीडियोज कंटिन्यूअस इसमें डाले हुए हैं, बहुत सारे कोर्सेज है। सो प्लीज लिंक पे क्लिक करें और मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज की। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं डेटा सिलेक्शन, कि हाउ कैन सिलेक्ट द डेटा। डेटा सिलेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम एक बार में ही सारा डेटा सिलेक्ट कर लें, क्योंकि बिना डेटा को सिलेक्ट किए हुए ना आप कॉपी कर सकते हैं, ना आप पेस्ट कर सकते हैं, ना पिवट लगा सकते हैं, ना फिल्टर लगा सकते हैं। मतलब कि एक्सेल के किसी भी फीचर्स के लिए आपको डेटा की सिलेक्शन आना चाहिए। तो डेटा कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो डेटा सिलेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं सारे तरीके को वन बाय वन बताता हूं। अगर हम बात करते हैं माउस पॉइंटर से, तो हम इस पर क्लिक करते हैं, होल्ड रखते हुए, क्लिक होल्ड रखते हुए नीचे की तरफ बढ़ते हैं। या अगर हम कीबोर्ड से बात करें, तो शिफ्ट को प्रेस रखते हुए एरो की से हम सिलेक्शन करते हैं, राइट एंड डाउन एरो की से। एक तरीका है जिससे आप इकट्ठे सारा डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं, आप सबसे स्टार्टिंग में क्लिक करें, अपने शिफ्ट की को प्रेस करें, जी हाँ, शिफ्ट की को प्रेस करें और सबसे लास्ट में सिलेक्ट कर लें, क्लिक कर दें। तो जैसे क्लिक करेंगे पूरा सिलेक्शन, वैसे आप यहां पे क्लिक करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे शिफ्ट क्लिक कर दिए तो जहां भी क्लिक करेंगे वहां तक सिलेक्शन बनता हुआ आएगा। एक तरीका ये है। अब बात करते हैं इसमें कर्सर मूवमेंट का, कि कर्सर कैसे मूव करेंगे। कर्सर मूव करने के लिए आप एरो की का इस्तेमाल करते हैं, कभी एरो की आपका मान लीजिए कि किसी और चीज में से कब करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, स्क्रॉल लॉक कर देते हैं, तो उस केस में आप टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं और एंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वैसे एंटर तो नीचे के लिए आता है, ऊपर के क्या करेंगे हम, तो शिफ्ट एंटर करेंगे तो ऊपर के लिए जाएंगे। और टैब आगे की रहा है तो शिफ्ट टैब करेंगे तो पीछे का है। तो एरो की के जगह पे आप टैब शिफ्ट और टैब एंटर का यूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो शिफ्ट के साथ अपना एरो की या टैब, टैब में बार वर्क नहीं करता है, तो आपको एरो की यूज करना पड़ेगा, शिफ्ट और एरो की को यूज करें और फिर इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन मुझे एक बार जंप करना है, मतलब कि मुझे कर्सर ऊपर है और सबसे नीचे लेके आना है। तो यहां मान लीजिए कि 15 रो है, लेकिन हो सकता है 15,000 हो, तो एक बार में सबसे नीचे लाना है। उसके लिए आप शिफ्ट को प्रेस करें और डाउन एरो की को प्रेस करें, शिफ्ट को प्रेस करें देन डाउन एरो की को, और नीचे की तरफ पहुंच जाएंगे, राइट? ओके। तो शिफ्ट के, शिफ्ट को प्रेस करें, सॉरी माफ कीजिए, कंट्रोल के प्रेस करें और डाउन करें, डाउन में आ जाएगा, लेफ्ट करें लेफ्ट में, अप करें अप में, इस तरह से कर्सर सबसे लास्ट में। तो होता क्या है, सीरीज मेंटेन करता है, तो यहां से पूरा सीरीज फिल का है, तो जितने भी फिल रो है सबको जंप करते हुए सबसे लास्ट वाले पहुंच जाता है। अब यहां पे मान लीजिए कि एक रो ब्लैंक है, अब अगर मैं करता हूं तो जंप करके यहीं पे आएगा, बात समझे? क्योंकि इसमें यहां ब्लैंक मिल गया तो यहीं पे वो अपने आप को रोक दिया। ओके। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए अब क्या है हमारा,
मान लीजिए कि ऐसे एक दो ब्लैंक है तो चलेगा, लेकिन बहुत सारे ब्लैंक है और मुझे सबसे नीचे आना है, बहुत सारे ब्लैंक है मुझे सबसे नीचे आना है, क्या करेंगे इसके लिए? तो यहां ऊपर में ए जाएंगे 65,000 एंटर प्रेस करेंगे, या नीचे आ गए। अगले सर, अब यहां से कंट्रोल अप एरो इस्तेमाल करते हैं, पहुंच गए सर। ओके तो इस तरह की चीज आप कर सकते हैं, और इसके साथ आप सिलेक्शन भी लेके चलना हो तो सिलेक्शन भी लेके चल सकते हैं। यहां कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, लेकिन राइट एरो डाउन एरो में प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर ब्लैंक हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, तो उस केस में आप कंट्रोल ए कर सकते हैं। अब कंट्रोल ए क्या करता है? कंट्रोल ए करता है यहां फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल होता है, इसमें आपके सामने होता है करेंट रीजन। करेंट रीजन मतलब कि जो भी डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेता है। बट करेंट रीजन याद रखिएगा, दो प्रॉब्लम होती है कि अगर आपके बीच में पूरा का पूरा ब्लैंक रो है तो आपका करेंट रीजन या कंट्रोल ए यहीं तक वर्क करेगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। हाँ, बीच में कोई अगर एक सेल भी लिखा हो तब चला जाएगा, सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। और सेम फर्क पड़ता है कॉलम पे, अगर एक ब्लैंक कॉलम है आपका यहीं पे रह जाता है, इससे आगे नहीं बढ़ता है। ओके, अब इसमें आगे आगे अगला ऑप्शन हम बात करते हैं कि यहां पे मान लीजिए हमारे पास कुछ फालतू के रो है तो उसको भी सिलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल ए। जी हाँ, करेंट रीजन। अब इसमें बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे मान लीजिए कहीं कहीं पे आपका ब्लैंक रो है, ब्लैंक सेल है, तो अलग अलग मेरे जिससे कोई सीक्वेंस नहीं है, मुझे इन सब में जीरो टाइप करना है। एक एक करके ढूंढ ढूंढ के करेंगे तो काफी टाइम लगेगा सर। तो यहां हम गो टू स्पेशल में आएंगे, करेंट रीजन को सिलेक्ट करेंगे, नहीं करेंट रीजन माफ कीजिएगा, ब्लैंक को। तो इस सीट में जितने भी ब्लैंक होंगे सबको सिलेक्ट कर देगा। अब देख रहे हैं आपको इधर भी सिलेक्शन हो गई, क्योंकि यूज्ड सेल पे वर्क करता है कि जितना सेल आपने यूज किया हुआ है उतना सेल तक चलता है। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए पहले आप मैनुअली डेटा को सिलेक्ट कर लें, फिर गो टू स्पेशल में आप जाए ब्लैंक, और जो ब्लैंक सेल सिलेक्टेड है अब मुझे इसमें 1 by 1 0 देना है, अब 0 टाइप कीजिए, टैब प्रेस कीजिए, 0 टाइप कीजिए, टैब प्रेस कीजिए, इस तरह से कर सकते हैं। या 0 के जगह पे मुझे मान लीजिए कि एन प्रेस करना है, तो आप एक एक करके जो करेंगे, अगर सब में एक ही चीज टाइप करना है तो उसकी जगह आप एंटर ना प्रेस करके कंट्रोल एंटर प्रेस कर। कंट्रोल एंटर क्या होता है कि अगर एक सिलेक्टेड एरिया में आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, लेकिन जैसे एंटर प्रेस करोगे वो नीचे वाली सेल में चला जाता है, और एंटर के जगह पे आप कंट्रोल एंटर प्रेस करते हो तो पूरे सिलेक्टेड एरिया में वो अपने आप उसको कॉपी पेस्ट कर देता है। क्लियर है? अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें मल्टी सेल सिलेक्ट करना हो, मतलब कि मुझे ए सेलेक्ट करना, ए का रेट सिलेक्ट करना है, डी सिलेक्ट करना है, ई सिलेक्ट करना है, जी सिलेक्ट करना है, बस कंटिन्यूअस इस तरह सिलेक्शन नहीं करनी है, हमें कुछ कुछ सेल सिलेक्ट करना है। उसके लिए हम कंट्रोल प्रेस करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है सर। और कंट्रोल प्रेस करने के बाद जहां भी क्लिक करेंगे वो सिलेक्शन में आ जाएगा, लेकिन अगर आपको जस्ट फॉर्मेटिंग या कुछ और चीज करना है या टाइपिंग करनी है तो ठीक है, अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो ये तरीका गलत है।
गलत है? गलत का रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसको कॉपी नहीं करेगा, सीक्वेंस में होना चाहिए। मतलब कि मुझे ए सी और डी का कॉपी करना है, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन अगर मैंने ए नीचे सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको कॉपी, क्योंकि ऊपर ए सी डी सिलेक्ट है तो नीचे भी ए सी डी सिलेक्ट होना चाहिए, देन इसको कॉपी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए ए से ए फाइव सिलेक्ट कर लिया और सी में सी वन सिलेक्ट कर लिया तो एक कॉपी नहीं करेगा, सी को भी आपको सिलेक्ट करना होगा सी फाइव तक, इसको कॉपी कर सकते हैं, समझे? तो रो एंड कॉलम का सीक्वेंस होना चाहिए। अब इसको आप मान लीजिए आप सिलेक्शन कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट, बट कॉपी करके जब पेस्ट करोगे तो एक सीक्वेंस पे पेस्ट होगा, ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग सेल में पेस्ट होगा। अगर वही अगर रैंडम कॉपी पेस्ट करते हैं तो फिर भी वही होगा, रहना तो कोई पेस्ट होगा नहीं, सीक्वेंस ही होगा ना सर, बात समझे कि नहीं? जी जी बिल्कुल रैंडम तो आप ये तो बता रहा हूं कि इस तरह से रैंडम कहीं कहीं भी सिलेक्ट करो तो कॉपी नहीं होगा, सीरीज में होगा, क्लियर है? जी जी डाउट इसमें सर? या सर समझिए आप। उसी तरह से आप जो है जैसे मल्टीपल सेल में सिलेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह से आप मल्टीपल सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे यहां सीट वन चाहिए, सीट थ्री चाहिए, सीट फाइव चाहिए, इस तरह से। ऊपर में देखिए ग्रुप का ऑप्शन आ गया, ठीक है? देखिए मान लीजिए कि मुझे जो है यहाँ पे सीट थ्री से सीट थ्री, सीट फाइव, सीट सिक्स और भी सीट्स है, मुझे हर किसी के ए वन पे नेम लिखना है या डेट लिखना है, तो एक एक करके डेट लिखने से अच्छा है कि आप क्या करें, पहले वो क्लिक करें, शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट को क्लिक करें, आपका चारों सीट सिलेक्टेड हो गया, ऊपर ग्रुप आ गया, अब जो भी आप इवेंट करेंगे वो चारों सीट पे होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया, अब देखेंगे सीट सिक्स पे भी डेट है, सिक्स सेवन पे भी है, सिक्स फाइव पे, सिक्स फाइव पे भी है, ठीक है सर? ओके तो कंट्रोल प्रेस करके आप उसको मल्टीपल ग्रुप में सीट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं सर नहीं। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अभी मैंने आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स के बारे में बताया, लेकिन मुझे सारे ऑप्शन की शॉर्टकट चाहिए, मतलब कि मैं जानना चाहता हूं कि हर एक ऑप्शन का शॉर्टकट क्या है, उसके लिए आप कर्सर उस पर रखेंगे तो आपको उसका शॉर्टकट पता चल जाएगा। ओके लेकिन यहां पे एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि हम जो शॉर्टकट चाह रहे हैं वो यहां पे एक लिस्ट में आया, क्योंकि ऐसे तो एक एक करके देखना तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगा सर, तो उसके लिए आपको यहां ऊपर सर्च या F1 प्रेस करना होगा और इसमें आप शॉर्टकट सर्च कीजिए, शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट्स। जी तो यहां से लिस्ट ले सकते हैं,
और यहां से और भी चीजें, नई चीजें आप यहां ढूंढ सकते हैं सर। किसी ऑप्शन के बारे में पता करना यहां ढूंढ सकते हैं, जैसे आपको पिवट के बारे में पता करना, पिवट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आपने यहां पे पिवट टेबल सर्च किया, यहां पे ऑप्शन दिख रहा है ना सर पिवट टेबल, क्रिएट पिवट टेबल वर्कशीट डेटा, देखिए पूरा इसके बारे में डेफिनेशन और साथ में ट्रेनिंग वीडियोज वगैरह भी आपको इसमें मिलते हैं, कैसे करना वो भी आपको यहाँ पता चल रहा है। ठीक है सर, ओके, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर हम तो जनरली जाते हैं कहाँ, गूगल पे सर्च करते हैं ना। तो गूगल पे जो सिलेक्ट आप डेटा सर्च करते हैं तो वहां पे जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारे के सारे आपके ये नहीं है, प्रूफ रीड नहीं है। आप जैसे लोग जो है डाले हुए, तो उसके वहां पे क्या होगा, हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है या फिर आपके तरीके की नहीं हो सकती है, इसलिए आप जो भी सर्च करें एक्सेल पे ही सर्च करें। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा, और अगर पूरा देख ही लिया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐप डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें। अगर आप लिंक से मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्ले स्टोर में जाएं और एक्सेल एमआईएस को सर्च करें। जी हाँ, एक्सेल एमआईएस को सर्च करें, वहां पे मेरा ऐप का पूरी की पूरी लिंक आपको मिल जाएगी, पूरी की पूरी ऐप लिंक मिल जाएगी आईपीटी का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप में है क्या मैं आपको बता दूं, ऐप में तीन चीजें हैं। पहली चीज है जिसमें होम में बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगी, मतलब बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे, ट्रिकी वीडियोज मिलेंगे मेरे इस चैनल पे, बहुत सारे ट्रिकी वीडियोज मिलेंगे आप। दूसरा चैट सेक्शन में आप मेरे साथ चैट कर सकते हैं, इसमें हम एमआईएस के ग्रुप में आपको डाल देंगे, तो यहाँ पे डेली बेसिस पे जॉब्स की ओपनिंग आती रहती है, तो यहाँ पे आप जॉब्स की ओपनिंग वगैरह देख सकते हैं। जैसे कल देखिए मैंने यहाँ पे जॉब का डाला हुआ है कि सिटी में जॉब की ओपनिंग थी। इसके अलावा और भी हर दिन इसमें जॉब्स की ओपनिंग और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आप कुछ आपकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है इसमें मैं डालते रहता हूँ, तो चैट से आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। इसके स्टोर सेक्शन में जाते हैं तो यूट्यूब पे जो वीडियोज मेरे हैं वो सारे के सारे कम्प्लीट नहीं है, ना कम्प्लीट है और ना ही सिक्वेंस में है, वो सारे प्रमोशनल्स हैं। आपको सारे वीडियो सीक्वेंस में चाहिए तो आप यहां से परचेज कर सकते हैं, सारे वीडियोज अवेलेबल है यहाँ पे, एक्सेल की, वीवीए की, एक्सेस की, कंप्लीट एमआईएस की, वर्ड की, टैली की, हालांकि वर्ड और टैली मेरा नहीं है, निकिता मैम का है, निकिता मैम ने डाउनलोड किया हुआ। और आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा ब्रशअप करना है, तो इंटरव्यू से रिलेटेड आपकी क्लासेस यहाँ पर है कि आप अपने इंटरव्यू वगैरह क्लियर कर सकते हैं फास्ट ट्रैक मोड। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।